रहीम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम। दोस्तों आज आपका शेफ एहसन इमरान बच्चों के लिए एक ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी लेके आया है, हैश ब्राउन। ये मुकम्मल तौर पे देखिएगा, एक आलू मैंने ले लिया है, इसको जो है वो हमने कद्दूकस करना है इस तरीके से। और आलू जो है वो कद्दूकस हम करेंगे, इसके लंबे लंबे से जो है वो पीसीस होने चाहिए, जिस तरह गाजर जब हम करते हैं हलवे के लिए उस तरह उसके जो है वो पीस होते हैं कद्दूकस के, इस तरीके से हमने जो है वो इसको लेना है। और इस तरीके से हमने इन आलूओं को जो है वो कद्दूकस कर लेना है। ये सारे आलू मैं कद्दूकस करता हूँ। तकरीबन चार आलू मैंने जो है वो कद्दूकस कर लिए हैश ब्राउन के लिए। ये इसकी कंडीशन है, इस तरह का होना चाहिए आपका हैश ब्राउन के लिए। और उसके बाद मैंने ये एक बहुत छोटी सी प्याज ले ली है, इसको भी मैंने इसके अंदर जो है वो कद्दूकस कर लेना है। इसको भी मैंने इस तरीके से जो है वो कद्दूकस कर लेना है। आए नीचे तो दिखा, इस तरीके से हम इसको भी जो है वो अपनी पूरी प्याज को इसके अंदर कद्दूकस कर लेंगे। और पानी अच्छे से हमने खुश करके इसको जो है वो अब इसके अंदर हमने जो है वो चार खाने के चमचे मेरे पास आलू तकरीबन आधा किलो थे मेरे पास, चार खाने के चमचे मेरे पास जो है वो ये कॉर्नफ्लावर है, ये इसमें चला जाएगा। तकरीबन 1.5 टेबल स्पून जो है वो काली मिर्च इसके अंदर चली जाएगी। और तकरीबन 1/2 टेबल स्पून इसके अंदर जो है वो सॉल्ट हमारा चला जाएगा। और इसको मैंने अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेना है इन सारी चीज़ों को, इन आलूओं के साथ इसको किस तरीके से बाइंडिंग करूँगा, किस तरीके से इनको बनाऊँगा, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला आपको मुकम्मल तौर पर दिखाऊँगा मैं। इस कंडीशन में आके ये देखें, ये ज़बरदस्त किस्म के जो है वो अलग अलग हो गए। इसको मैंने अब शेप देनी है, ये इंपॉर्टेंट मसला है, इसको ज़रा गौर से देखिएगा। इसको तरीके से हमने इसको जो है वो एक शेप दे लेनी है, जिस तरीके से हैश ब्राउन की शेप होती है। इस तरीके से हमने ऊपर से इसको जो है वो प्रेस कर लेना है, पहले ऊपर से प्रेस कर लेंगे फिर खाएंगे। अच्छे दबा के हमने इसको जो है वो इसकी शेप दे लेनी है, थिकनेस का इसका हमने ख्याल रखना है। ये देखिए, जैसे हमने इसको जो है वो चारों साइडों से एक ही थिकनेस के ऊपर हमने इसको रखना है। और इसको इस तरीके से हमने अच्छे से इसकी शेप दे लेनी है। जी दोस्तों देखिए, इसको मैंने इस तरीके से एक शेप दे ली है, इस तरीके से हमने इसको शेप देके इसको हमने अच्छे से जो है वो काट लेना है, इसको हमने एक निशान लगा लेना है इस तरीके से। अब इसको हमने घुमा लेना है, इस साइज़ के लिए ये बहुत है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ से हम इसको काट लेंगे। अब ये छः हमारे पास बन गए, अब इनको हमने छः को अलग अलग करके इसको हमने इस तरीके से सबको हमने ऊपर से प्रेस करके हैश ब्राउन की हमने इसको शेप दे लेनी है इस तरीके से। ये देखें, और हम इसको जो है वो शिफ्ट करेंगे। जी दोस्तों, मीडियम टू लो मेरा फ्लेम है, उसके ऊपर मैंने जो है वो इसको बहुत आराम से जो है वो शिफ्ट कर देना है हैश ब्राउन को। दोस्तों मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसको इस तरीके से जो है वो अपने ऑयल के अंदर जो है वो इत्मीनान के साथ जो है वो शिफ्ट कर देना है ना, बड़े आराम से ये ऑयल के अंदर जो है वो डिप होके बन जाएं। नहीं है कि आपकी कितनी जगह है, उसी हिसाब से आपने जो है वो इनको रखना है। मीडियम टू लो फ्लेम हमने इसका रखना है, ये खुद ब खुद जो है वो जैसे जैसे नीचे से जो है वो ब्राउन होते जाएंगे इसी तरीके से ये उठते चले जाएंगे। मेरी बहनों ये देखें, कलर इसके ऊपर जो है वो आना शुरू हो गया है हमारे हैश ब्राउन के ऊपर, और बहुत ज़बरदस्त किस्म के क्रिस्पी जो है वो ये बन रहे हैं। और बिल्कुल आपने हर स्टेप इसी तरीके से फॉलो करना है जिस तरह मैंने बताया, कोई मुश्किल काम नहीं है ये, बहुत थोड़ी सी मेहनत है, लेकिन बच्चे खुश हो जाएंगे आपके जब आप उनको ये बना के देंगे ना। और इसके साथ टोमेटो दें, वाइट सॉस बना लें इसके साथ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं गार्लिक सॉस के साथ, ये ज़बरदस्त लगेगा आपको, बच्चों को बना के दें, बहुत बहुत मज़े की चीज़ है ये। तैयार कर रहे हैं व्हाइट सॉस जो तैयार होता है, इसमें मैं तकरीबन एक खाने का चमचा जो है वो बटर डाल दूंगा, दो खाने के चमचे इसमें मैदा चला जाएगा। अच्छे से मैंने इसको जो है वो भून लेना है ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू जो है वो आ जाए। दूध शामिल करूंगा, अभी मैं आधा कप शामिल करता हूँ।
हाफ टी स्पून इसके अंदर जो है वो काली मिर्चें चली जाएंगी, हाफ टी स्पून इसके अंदर जो है वो सॉल्ट चला जाएगा। ये रेसिपी आपको जो है लजानिया से भी मिल सकती है, वाइट सॉस की जो हमने लजानिया बनाया था। इसके अंदर 1 टेबल स्पून इसके अंदर जो है वो क्रीम चीज़ जो है वो चली जाएगी। ये देखें, ये क्रीम चीज़ जो है वो 1 टेबल स्पून इसके अंदर चली गई है। अब इसको हम अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेंगे इन तमाम तर चीज़ों के साथ। जी दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह हैश ब्राउन जो है वो तैयार हो गए हैं और उसके साथ हमारा वाइट सॉस भी जो है वो तैयार है। मैंने आपको मुकम्मल तौर पे इसको दिखाया है कि किस तरीके से हमने बनाना है। बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, बच्चे इसको देखेंगे तो वो इसको खाने की मुकम्मल तौर पे कोशिश करेंगे, जान नहीं छुड़ाएंगे इससे। ये आप देखिए किस तरीके से ये क्रिस्पी है, ये देखें ये इसके आपको नज़र आ रहे हैं, इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं। और हमने जो है वो इसको वाइट सॉस के साथ जो है वो इस्तेमाल करना है। ज़बरदस्त किस्म का ये वाइट सॉस भी तैयार होता है। बहुत ज़बरदस्त किस्म की ये रेसिपी है, यकीन करें बच्चों को बहुत पसंद आएगी, इसको बनाइएगा। और मैंने आपको तमाम वो चीज़ें बताई हैं जो इसके अंदर शामिल होती हैं। बहुत ज़बरदस्त किस्म की वाकई रेसिपी बनी है, यही सारी कोशिश है और मेहनत आपके लिए की जाती है। और आपको ये चीज़ें पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका फीडबैक मुझे मिल रहा है, इंशाल्लाह ताला मज़ीद इस तरह की रेसिपीज़ आपके लिए लेके आता रहूँगा। आपसे रिक्वेस्ट सिर्फ यही होती है कि आपने हमारे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह ताला कल एक नई रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर हूँगा। जब तक कि अपने शेफ एहसन इमरान को इजाज़त दीजिए, अपना अपनी फैमिली का अपने गिर्दोनवा में रहने वाले ज़रूरतमंदों का ख्याल कीजिए, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।